हेलो दोस्तों, अगर ब्रदर के DCP-T300 मॉडल के प्रिंटर में अगर आपको इंक बॉक्स फुल दिखाई दे रहा हो और साथ ही साथ मशीन एरर 46 आ रहा हो तो उसको रीसेट कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अपने प्रिंटर के मेन्यू की को प्रेस करें, फिर मोनो की, फिर मेन्यू की को प्रेस करें। उसके बाद प्लस बटन को प्रेस करते हुए 8 तक लेकर के जाना है और ओके प्रेस करना है। उसके बाद हमें प्लस बटन से 0 नंबर तक लेकर के जाना है और फिर ओके प्रेस करना है। तो कुछ इस तरह से नंबर्स लिखा हुआ दिखाई देगा। अब आपको मोनो की को प्रेस करते हुए एक वर्ड यहाँ से सेलेक्ट करना है जिसका नाम है पुर्ज। तो इसको प्रेस करते रहें जब तक आपको पुर्ज यहाँ पर डिस्प्ले में लिखा हुआ दिखाई ना दे। तो ये देखिए पुर्ज यहाँ पर आ गया है। पुर्ज में जो कुछ नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है 09073, हो सकता है आपने कुछ अलग नंबर दिखाई दे। उसके बाद हमें यहाँ पर प्लस बटन को प्रेस करते हुए 2 नंबर तक लेकर के जाना है, उसके बाद ओके प्रेस करना है। उसके बाद हमें 7 नंबर तक लेकर के जाना है, तो इसको प्रेस करते हुए 7 नंबर तक ले जाएँ, फिर ओके प्रेस करें। इसके बाद हमें 8 नंबर तक लेकर के जाना है, उसके बाद फिर ओके प्रेस करना है। उसके बाद हमें 3 नंबर तक लेकर के जाना है और ओके प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ मशीन एरर 46 लिखा हुआ दिखाई देने लगेगा। इसके बाद हमें प्लस बटन को प्रेस करते हुए 9 नंबर तक लेकर के जाना है, फिर ओके प्रेस करना है। उसके बाद फिर हमें 9 नंबर तक लेकर के जाना है और ओके प्रेस करना है। तो आप देखोगे कि प्लीज़ वेट लिखा हुआ यहाँ पर डिस्प्ले में आपको इस तरह से कुछ दिखाई देने लगेगा और थोड़ी देर में ये रीसेट हो जाएगा। हंड्रेड परसेंट नॉर्मल है तो ये मेरा प्रिंटर जो है रीसेट हो गया है। अब इससे कुछ प्रिंट करके देखते हैं कि प्रिंट कैसा निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि प्रिंट भी अब अच्छे से हो रहा है। तो इस तरह से अगर आपके प्रिंटर में इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा हो, इंक बॉक्स फुल और साथ साथ में एरर कोड 46, तो इस तरह से आप रीसेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।